बंगाल में फिर दीदी की सरकार, ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, बांग्ला में सीएम पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल का अभिवादन किया, आमने सामने खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। शपथ लेने के बाद बोली ममता बनर्जी, कोरोना से लड़ाई हमारी पहली प्राथमिकता, हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता को नसीहत दी, कहा राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। कोरोना को आज सीएम ममता बनर्जी की समीक्षा बैठक, सभी डीएम और सीएमओ भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में धरना, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष समेत कई नेता धरना पर बैठे। बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा पर मिथुन का ममता पर अटैक, राजनीति से ज्यादा इंसानी जिंदगी अहम। कोलकाता में सामने आई पुलिस की गुंडागर्दी, कोलकाता में पुलिस ने जेपी नड्डा का मंच तोड़ा। पश्चिम बंगाल से बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं पलायन, हिंसा की वजह से असम की ओर पलायन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में बेटे की हार पर बाप का हंगामा, चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर शर्ट फाड़ कर किया हंगामा, चुनाव में धांधली का आरोप। दिल्ली में फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। देश में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 24 घंटे में कोरोना से 3,780 लोगों की मौत। देश में बीते 24 घंटे में 3,82,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, देश में 34,84,824 एक्टिव केसेस। दिल्ली में कोरोना के 19,953 नए मामले, 24 घंटे में 338 लोगों की मौत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कोरोना विस्फोट देखने को मिला, आम्रपाली विलेज सोसाइटी में मिले 200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक के निजी अस्पताल में 5 मरीजों की मौत, परिजनों का आरोप ऑक्सीजन की कमी से गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना और ऑक्सीजन के हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत नरसंहार से कम नहीं। नागपुर में वैक्सीनेशन को लेकर युवा काफी उत्साहित, लाइन में लगकर वैक्सीन की डोज ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से युवाओं का वैक्सीनेशन, 10 दिनों में 1,48,000 डोज देने का लक्ष्य है। दिल्ली के दो अस्पतालों एम्स और आरएमएल में आज से शुरू होंगे दो ऑक्सीजन प्लांट, पीएम केयर्स फंड से डीआरडीओ ने बनाए हैं दोनों प्लांट। पीएम केयर फंड की मदद से डीआरडीओ 3 महीने में 500 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लगाएगा, टाटा को 380 प्लांट का ऑर्डर दिया। कोरोना पर आईसीएमआर ने जारी की गाइडलाइन, कहा एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर ना करवाएं कोविड टेस्ट, लैब पर पड़ता है बोझ। कोविड टेस्ट को लेकर आईसीएमआर के नए दिशा निर्देश, कहा अस्पताल से डिस्चार्ज के वक्त आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी नहीं। आईसीएमआर ने कहा एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हो तो आरटीपीसीआर ना कराएं, इसके साथ ही एक बार नेगेटिव आ गए तो आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीट ना करें। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा 10% से ज्यादा संक्रमण और अस्पतालों में 60% से ज्यादा बेड भरने पर सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। डॉक्टर गुलेरिया ने नाइट और वीकेंड कर्फ्यू को बताया बेअसर, कहा सख्त लॉकडाउन लगाकर ही हम संक्रमण की चेन तोड़ सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी जिलाधिकारियों और डीसीपी को दिए निर्देश, गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाएं और सुपर स्प्रेडर एरिया को चिन्हित किया जाए। संकट काल में गरीबों तक पीएम मोदी की मदद, एफसीआई ने शुरू किया मुफ्त अनाज का वितरण, मई और जून में मिलेगा मुफ्त अनाज। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया जारी, कहा अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा बहुत हो गया है, अब हम नहीं सुनेंगे, दिल्ली को फौरन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो। देश भर में अब तक कुल 16 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण, मंगलवार को सभी उम्र के करीब 11.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। भोपाल में लॉकडाउन को लेकर सख्ती, आने जाने वाले तमाम वाहनों की गहन चेकिंग। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,880 नए मामले, राज्य में कोरोना से 891 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 107 लोगों की मौत हुई, 24 घंटे में कोरोना के 17,639 नए मामले दर्ज, अब तक करीब 12,000 लोगों की कोरोना से गई जान। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कोरोना के हालात और बचाव कार्यों की जानकारी। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 44,631 नए मामले सामने आए, एक दिन में कोरोना से 292 मरीजों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 16,974 नए मामले, 154 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत।
यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, ड्यूटी के दौरान कोरोना से मृत कर्मचारियों को आर्थिक मदद का ऐलान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,650 नए मामले, एक दिन में संक्रमण से 37 मरीजों की गई जान। कोरोना पर बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट की फटकार, नहीं संभल रहा कोविड प्रबंधन तो सेना को सौंप दें। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम और गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा पंजाब को 50 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत है। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, 87 खाली सिलेंडर और 1,00,000 रुपए बरामद। यूपी के संभल में प्रशासन की लापरवाही, कृषि मंडी में मतगणना के चलते किसानों ने हाईवे पर लगाई मंडी, जाम में फंसे रहे वाहन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 48 रेमडेसिविर की चोरी, स्टोर इंचार्ज और सहायक गिरफ्तार, दोनों स्टाफ को किया सस्पेंड। हैदराबाद में 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव, सांस में तकलीफ के बाद शेरों का हुआ था कोरोना टेस्ट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कोरोना मरीज की मौत की नहीं दी जानकारी, परिजन तीनों टाइम का खाना पहुंचाते रहे। मध्य प्रदेश के गरियाबंद में 50,00,000 के हीरो के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, मुखबिर की खबर पर पुलिस की कार्रवाई। जबलपुर में लॉकडाउन से नर्मदा नदी का पानी हुआ साफ, ए कैटेगरी में पहुंचा नदी का पानी।